I go back to referring to the Prime Minister's address to the nation, where he said five pillars, and one of them is talking about technology-driven systems. और कहा था कि कैसे तकनीक के जरिए व्यवस्था को आगे हम ले जा सकते हैं, उसी का ये उदाहरण है. बेनिफिट माइग्रेंट वर्कर्स, और इसी के जरिए पलायन करने वाले मजदूर हैं, उनके जरिए हम नेशनल पोर्टेबिलिटी कैन बी यूज्ड इन एनी रेशन कार्ड, एनी रेशन शॉप, किसी भी राशन की दुकान से एज यू मूव अलोंग, जहां भी आप गुजर रहे हैं वहां से राशन कार्ड होल्डर, राशन कार्ड होल्डर बिहार और कर्नाटका, कोई भी राशन कार्ड होल्डर, अगर आज वो बिहार में है, परसों वो राजस्थान में है, कहीं भी है, फूड रेशन फ्रॉम एनी रेशन शॉप, पैसे का राशन, ये जो खाने का राशन है, किसी भी राशन दुकान से, व्हिच इज नाउ बीइंग डिफाइंड एज वन नेशन वन रेशन कार्ड, One Nation, One Ration Card will be implemented and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, One Nation, One Ration Card, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% का जो पूरा PDS जनसंख्या है, उन सबको इसका फायदा मिलेगा. पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा, चाहे वो मजदूर किसी भी राज्य में हो. एक देश एक राशन कवरेज ऑफ नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्ड्स बाय मार्च. नेशनल पोर्टेबिलिटी, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी चलेगा, किसी भी राज्य में वो कार्ड मान्य होगा. यूनियन टेरिटरीज विल कंप्लीट फुल एफपीएस ऑटोमेशन बाय मार्च 2021. आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी, भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें. वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं, और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं. और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया. तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशरी जो हैं, वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है, और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें. ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी. The last step for the migrant workers, आखिरी कदम प्रवासी पलायन करने वाले मजदूरों के लिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड के बाद फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स और रहने की जगह के लिए जो शहरी गरीब हैं, उनके लिए ये कदम टू लॉन्च एंड वेरी क्विकली इट शैल लॉन्च शुरू करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं. For the migrant labor and urban poor, PM Awas Yojana, migrant labor ke liye aur shahri gareeb ke liye. Rental housing scheme whereby shuru ki jayegi. We have three different ways in which we want to achieve it. Teen alag alag tarikon se ise kiya jayega. Incentivizing manufacturing units, industries, institutions and associations. Udyog hai, manufacturing unit hai, on their private land build incentivize kar rahe hain ki wo rental housing complex apni jagah par रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए. लॉट ऑफ गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग्स सरकारी फंड से सिटीज व्हिच आर रिमेनिंग मुख्य शहरों में इनटू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग अकोमोडेशन, दे कैन बिकम अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे सरकार द्वारा. पीपीपी मोड में से किया जाएगा अग्रीमेंट्स थ्रू व्हिच दे कैन इन्वेस्ट समवॉट सम मनी टू कीप इट अप.
and also somewhat some money to make it ready, and then derive the rental, like the way the roads have, you know, the toll little collections. Similarly, here they can collect small amount of rent and make some arrangement. Incentivizing also state governments to do the same. Central government organizations will also undertake in similar lines. The detailed guidelines will come from the ministry sooner. इस पर गाइडलाइंस मंत्रालय की तरफ से जल्दी दिया जाएगा, जिसमें शहरी गरीब और मजदूरों के लिए रेंटल अकोमोडेशन फॉर देमसेल्फ, मूल जो रेंटिंग प्रवासी अकोमोडेशन है, घर शहरी गरीब के लिए मुहैया कराया जाएगा। जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए। इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं, और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम, और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले किराए वाले, कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे, और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाले मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाए, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें।